और ब्रेक के बाद अगली खबर है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने एसएसपी से मिलकर महिला उत्पीड़न के खिलाफ घटनाओं पर नकेल कसने की मांग की। देखिए, मामला हमारे पास में है, हमारे साथ चार गवाह भी हैं। आप बेटी तो चली गई, वो तो अब लौट के नहीं आएगी, लेकिन हमारे साथ चार गवाह जो हैं, इनका कहना है कि जो कांड उसके साथ होता था, तो चारों गवाह एक ही बात बोले कि उसके परिवार वालों ने बहुत ही प्रताड़ना करते थे। और लड़की का अभी 1.5 साल का बच्चा है। मैं कोशिश यही करूँगी कि पिता और बेटा दोनों अभी जेल में हैं, बेटी और माँ अभी फरारी में है, उसके साथ उस बच्ची का बेटा भी है, तो बेटा को न्याय दिलाने के लिए नाना नानी ऑलरेडी मामा मामी सब कुछ है। तो जहाँ तक सवाल है कि पहले अब उसका इस केस से निपटारा हो, तो उस बच्चे को परिवार के सामने हम उसको लाएं। और दूसरी बात कि हमारे चारों गवाह आंखी देखी घटना जो है, आज एसएसपी को इन्होंने बताया कि हाँ उसके साथ ऐसा हमेशा होता था। तो आज यही चीज़ एसएसपी ने बहुत अच्छी बात कही और उनके बात से हमारे सारे पोटका जो कांड जहाँ हुआ है वो संतुष्ट हो गए। पोटका के जामदा से 3 अनाथ बच्चों को लेकर आए लोगों ने बच्चों के लिए आवास की मांग की है। पोटका के जामदा में रहने वाले ये तीनों अबोध बच्चों के माता पिता गुजर चुके हैं, अपने फूफा के यहाँ वे रहते हैं। उनके लिए सरकार से किसी आवासीय योजना के तहत आवास की मांग की गई है। जो 9 बच्चा है, इन तीनों बच्चा का जो कि अभी तक तो ना सरकारी कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है, और जो कि हम लोग मांग करते कि वीडियो साहब के पास गए थे, वीडियो साहब बोले कि हमारे पास ऐसे कुछ ये नहीं है, आप लोग डीसी साहब से मिल लीजिए। तो हम लोग वही चीज़ में आए डीसी साहब से मिलने कि प्रधानमंत्री आवास जो है मिल जाए, इन लोग को रहने के लिए जुगाड़ हो जाएगा। जो कि ये बच्चा है, इनके लिए पढ़ाई के लिए कोई एक आदमी खर्चा दे रहा है, एक आदमी ये जो है ये सामने है, इनके लिए भी कस्तूरबा विद्यालय में हो चुका है, लेकिन ये जो छोटी सी बच्ची है इनके लिए क्या होगा। और तीनों बच्चा जो कि होना थे, खाने का पैसा नहीं है। ग्रेजुएट कॉलेज में बीएड के छात्राओं को विदाई दी गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।